हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रोटियस ट्यूटोरियल सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक रेक्टिफायर सर्किट क्रिएट करेंगे। रेक्टिफायर सर्किट का यूज़ एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम में आता है। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था एसी और डीसी में डिफरेंस क्या होता था, तो आज हम एक रेक्टिफायर सर्किट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम अपना प्रीवियसली क्रिएटेड प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वन को ओपन करेंगे, और जो कुछ है इसमें मैंने ऐड किया हुआ ये मैं रिमूव कर दूंगा, ये हमारे काम का नहीं है आज के इस सर्किट के लिए। तो आपको अपने लाइब्रेरी सेक्शन में जाना है। सबसे पहले आपको एक डीसी सोर्स चाहिए होगा, सॉरी एसी सोर्स चाहिए होगा। तो एसी सोर्स के लिए आपको अपने लाइब्रेरी सेक्शन में लिखना है वी साइन। ये साइन वेव आपके पास आ जाएगी, डबल क्लिक करोगे तो ये खुद ब खुद ऐड हो जाएगी। सेकेंड, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको जैसे एसी वोल्टेज जो होती है घरों में जो आती है वो 220 वोल्ट की होती है, और अगर आपको रेक्टिफायर सर्किट जो है वो 5 वोल्ट 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का बनाना है तो आप उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा सकते हो। तो अभी क्या है, हम ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ता है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि ट्रांसफार्मर किस तरह से ऐड किया जाता है या स्टेप अप और स्टेप डाउन किस तरह से किया जाता है एसी सोर्स को। तो आज के लिए हम सिर्फ रेक्टिफायर सर्किट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको डायोड चाहिए होंगे, तो डायरेक्ट आप डायोड टाइप कर दो, या अगर आपको उसका मॉडल नंबर पता है जैसे 1N4007 तो वो खुद ही आ जाएगा। ये एक डायोड आ गया है, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये खुद ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से एक स्विच, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच एक हम यूज करेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। तो सबसे पहले अपने एसी सोर्स को ऐड कर दो। सबसे पहले तो आप सर्किट को कंप्लीट कर लो, जहां पे ग्राउंड चाहिए वहां पे, और हम सीआरओ से सबसे पहले एसी का वेवफॉर्म देख लेंगे और फिर हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि हमें करना क्या है। अब जब इसे आप रन करोगे तो देखो, अगर इसको रेड लाइन को आप रेफरेंस मान लो, इस पिंक लाइन को, तो इसका आधा हाफ जो है वो पॉजिटिव है और आधा हाफ नेगेटिव है। हमें क्या करना है कि हमें इस पूरी वेव को इस तरह की एक वेव में कन्वर्ट करना है, जैसी ये लाइन आपको दिख रही है ना, हमें इस तरह की एक वेव में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक रेक्टिफायर सर्किट का यूज करना है। रेक्टिफिकेशन के लिए डायोड का यूज भी किया जा सकता है और ट्रांजिस्टर्स का भी यूज किया जा सकता है, मगर ट्रांजिस्टर का यूज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन में किया जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सिंपल सर्किट क्रिएट कर रहे हैं तो हम डायोड का यूज करेंगे। जब हम एक डायोड यूज करते हैं तो उसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, जब दो डायोड यूज करते हैं तो उसे फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं, और जब हम फोर डायोड यूज करते हैं तो उसे ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। अब कब वन कब टू या कब फोर डायोड यूज करने हैं वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे, जब हम किसकी एफिशिएंसी सही रहती है उसके बेस पे किया जाता है। तो सबसे पहले डायोड की फंक्शनिंग आप देख लो। तो डायोड को दो तरह से, डायोड को एज स्विच यूज किया जाता है। तो डायोड का ये जो साइड है, जिस साइड पे ट्रायंगल अटैच्ड है, तो इसको एनोड कहते हैं, और ये जो दूसरा वाला साइड है जिसपे ये बार अटैच्ड है इसे कैथोड कहते हैं। अब एनोड जो होता है वो कंपलसरी है कि वो पॉजिटिव साइड पे ही कनेक्ट होना चाहिए। जब आप इस, जैसे मैंने कहा कि ये डायोड स्विच की तरह काम करता है, अगर आप इस स्विच को क्लोज करना है, मतलब आप चाहते हो कि यहाँ से फ्लो होने वाला करंट, मतलब यहाँ पे एंटर होने वाला करंट इस पॉइंट को लीव करे, मतलब ये स्विच इस तरह से क्लोज हो, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए, मतलब इसका एनोड पॉजिटिव साइड पे कनेक्ट होना चाहिए और इसका कैथोड नेगेटिव साइड पे या ग्राउंड के साथ कनेक्ट होना चाहिए। और अगर हम इसका रिवर्स कर देते हैं, मतलब हम इसके कैथोड को पॉजिटिव साइड पे और एनोड को नेगेटिव साइड पे कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या होगा, रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। रिवर्स बायस्ड होने का ये मतलब है कि ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा। उसका मतलब ये है कि जो करंट यहाँ पे एंटर हुआ वो यहाँ से लीव ही नहीं करेगा, क्योंकि बीच में जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट है, ब्रेक हो चुकी है। तो अब रेक्टिफिकेशन के काम में भी, प्रोसेस में भी एग्जैक्टली यही होता है। अगर आप इस पूरी साइकिल को एक बार देखो तो यही साइकिल एसी में, मतलब वी साइन वेव जो हमारी है एसी सोर्स है, ये खुद को रिपीट कर रही है। इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो होगा क्या, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इस पॉइंट पे आएगी, मतलब ये एनोड है और ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, ये कैथोड है और यहाँ पे हमने इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ होगा, तो ये क्या होगा, ये अपने
अक्रॉस, मतलब ये एज ये क्लोज्ड स्विच की तरह काम करेगा और अपने अक्रॉस करंट को फ्लो होने देगा। और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, मतलब साइकिल अभी क्या है, अभी जब सेकंड हाफ साइकिल रिपीट होगी, मतलब ये वाला पोर्शन जब आएगा तो ये वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। अभी पॉजिटिव साइकिल यहाँ से इसको मिलेगी और ये वाला साइड हमें यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो रिवर्स हो गया। तो ये कैसे एक्ट करेगा, ये एज ओपन स्विच एक्ट करेगा। ओपन स्विच एक्ट करेगा तो मतलब यहाँ पे आने वाली जो करंट है, जो यहाँ पे एंटर होगी करंट, वो इस पॉइंट को लीव ही नहीं कर पाएगी, इस पॉइंट से एंटर होने वाली करंट इसको लीव ही नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल ब्लॉक हो जाएगी। जब नेगेटिव हाफ साइकिल ब्लॉक हो जाएगी तो इसका ये आधा पोर्शन आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल तो शो होगी, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए खुद को जीरो कर देगा। और अभी हम इस रेक्टिफायर को यूज करके देखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सेम चीज को सर्किट पे सिमुलेट करेंगे, मतलब अभी तक तो हमने थ्योरी पढ़ी, तो अभी हम इस चीज को प्रैक्टिकल करेंगे। तो हम यहाँ से इसका एक टर्मिनल लेके अपने डायोड पे कनेक्ट कर देंगे। और हमें क्या करना होता है, ये जो हम रेक्टिफायर सर्किट कनेक्ट करते हैं या इसकी आउटपुट मेजर करने के लिए, हमें यहाँ पे लोड लगाना पड़ेगा इसकी वेवफॉर्म चेक करने के लिए। अब इसका हम लोग आउटपुट देखेंगे। तो अगर आप देखो, इसकी मैं अलाइनमेंट को हल्का सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। तो इसने क्या किया है, जो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इस डायोड ने उसके ड्यूरिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल इसने खुद को फॉरवर्ड बायसिंग में ये रखा है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को अलो कर रहा है। और जैसे ही सेकंड साइकिल आ रही है, मतलब ये नेगेटिव साइकिल में नेगेटिव साइड पे जैसे ही जा रहा है, तो ये रिवर्स बायस्ड हो गया। ये तो हाफ ब्रिज रेक्टिफायर था, हम फुल ब्रिज रेक्टिफायर देखेंगे। तो फुल ब्रिज रेक्टिफायर के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे जिस तरह से आपने ये डायोड लगाया हुआ है, सेम आपको डायोड यहाँ पे भी लगाना है, क्लॉकवाइज इसे रोटेट कर दो। सर्किट हमारी यहाँ से कंप्लीट हो रही है, तो ग्राउंड कनेक्ट करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। अब जब रन करेंगे तो आप देखोगे कि इसने जो है डायोड जो अपर डायोड है, इसने पॉजिटिव हाफ साइकिल को अपने थ्रू पास होने दिया, फिर जो लोअर डायोड है उसने नेगेटिव हाफ साइकिल को अपने थ्रू पास होने दिया, मतलब इसने पूरी की पूरी वेव फॉर्म जो है उसे ही अलो कर दिया पास होने, अपने अक्रॉस पास होने के लिए। तो इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब एक और रेक्टिफायर है जिसे ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, हम वो भी सिमुलेट करके देख लेते हैं। इस तरह से आपको चार डायोड अटैच कर देने हैं। कनेक्ट कैसे करनी है, देखो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे ये वाला जो है इसका ट्राइंगल वाला साइड, देखो दोनों कौन से दो साइड इसके शॉर्ट हैं, एक वाला, एक तो ट्रायंगल वाला साइड इस डायोड का शॉर्ट है और बाहर वाला साइड जो कैथोड साइड है इसका शॉर्ट है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है ना। तो सेम आपको क्या करना है, जो एसी होगा उसका एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। और जो आपके लोड के लिए सर्किट आएगी, तो लोड के लिए हम फिर से रेजिस्टर लगाएंगे, लोड के लिए ये वायर ले लेना है। तो होगा क्या, जैसे ही फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, डायोड वन, तो यहां से इस तरह से करंट, आप कर्सर को देखते रहो, फ्लो होगा, यहां से आएगा, क्योंकि ये तो रिवर्स बायस्ड है, क्योंकि यहां से आप अभी यहाँ पे पॉजिटिव है तो मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव है, मतलब इसके कैथोड साइड पे पॉजिटिव है, तो ये वाला क्या है, रिवर्स बायस्ड है, मतलब ये ओपन स्विच की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे ग्राउंड है, मतलब जीरो वोल्टेज है, और यहाँ से होते हुए हमारी पॉजिटिव साइकिल आ रही है, यहाँ पे एनोड है, मतलब इस साइड पे एनोड है ट्राइंगल वाली साइड पे, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, तो हमारा करंट यहाँ से वापस सोर्स में चला जाएगा। तो अब हम इस चीज को रन करेंगे, तो देखो सेम चीज हो रही है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी एलो कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल को भी एलो कर रहा है। अब यहां तक तो था रेक्टिफिकेशन का पूरा गेम, तो रेक्टिफिकेशन हमने कर ली, मतलब हमने क्या किया, हमने एक पल्सेटिंग डीसी क्रिएट की है, क्योंकि डीसी का क्या मतलब, जिस तरह से ये हमारी ब्लू लाइन है, अगर ये इस तरह से हमें मिल जाती तो क्या था, हमसे डीसी कहते पड़ गए। अब पल्सेटिंग, इसकी पल्सेशन को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, इसकी एक फिल्टर सर्किट यूज की जाती है। अब फिल्टर सर्किट एक डायरेक्ट एक सिंगल कैपेसिटर से भी की बनाई जा सकती है,
सिंगल इंडक्टर से भी बनाई जा सकती है और इंडक्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से भी बनाई जा सकती है। और जब इंडक्टर आप यूज करोगे तो इंडक्टर को आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा अपने लोड के, और जो जब कैपेसिटर यूज करोगे तो कैपेसिटर को आपको अपने लोड के पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। देख लेते हैं, हम कैपेसिटर से फिल्टर सर्किट बनाएंगे। तो जो कैपेसिटर हम लोगों ने चूज किया है उसका वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड है। ये हम रैंडम चूज नहीं कर सकते, इसके लिए कैलकुलेशन का पूरा प्रोसेस होता है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। अभी जब आप इसे रन करोगे तो आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगी, तो इसमें कोई भी इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी 1 माइक्रोफेरेड है तो हम इसे फॉर एग्जाम्पल 300 माइक्रोफेरेड कर देते हैं, 300 माइक्रोफेरेड कर देते हैं। तो जब हम इसे रन करेंगे यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज भी हो रहा है और डिस्चार्ज भी हो रहा है। तो हम जब कैपेसिटर में जितना उसका ज्यादा वैल्यू रखेंगे तो वो क्या करेगा, इस चीज को कम करेगा। मतलब देखोगे एक पॉइंट वोल्टेज यहाँ पे और दूसरी वोल्टेज यहाँ पे, इसमें जो डिफरेंस है इसको पीक टू पीक रिपल वोल्टेज कहते हैं। और ये पीक टू पीक रिपल वोल्टेज जो है ये हमारी कैलकुलेशन में भी काम आती है। जितना इसका वैल्यू कम होगा उतनी हमारी रेक्टिफायर सर्किट बेहतर होगी, मतलब रेक्टिफिकेशन हमारी परफेक्ट होगी। तो हम कैपेसिटर का वैल्यू किस तरह से चूज करते हैं वो देख लो एक बार। तो कैपेसिटर जो अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है क्यू, उसका वैल्यू जो होता है उसके लिए कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो सी इंटू वी होता है। सी उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है और वी जो है उसके टर्मिनल के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज होती है। करंट जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्यू का वैल्यू आई इंटू टी आ जाएगा। टी जो होता है टाइम जो होता है वो इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू 1 अपॉन एफ आ जाएगा। तो जब इस इक्वेशन 4 को आप इक्वेशन 1 में यूज करोगे तो 1 बाई एफ इक्वल टू सी इंटू वी आ जाएगा। तो सी का वैल्यू जो है वो आई इक्वल टू एफ इंटू वी आ जाएगा। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसका एक और फार्मूला भी है जिसमें यहाँ पे आर लग जाता है। तो आर क्या होता है, हमारा लोड होता है जिसके लिए हम रेक्टिफायर सर्किट बना रहे हैं। मतलब ये जब आप पर्टिकुलर लोड के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे आपका आर भी आ जाएगा। तो उस हिसाब से आप डायरेक्टली इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये जो वी है ये वीपीपी है, वी पीक टू पीक रिपल वोल्टेज है, और एफ जो है वो हमारी रेक्टिफायर सर्किट की फ्रीक्वेंसी है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर रहे हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी, और अगर फुल वेव रेक्टिफायर यूज कर रहे हो चाहे 2 डायोड से चाहे 4 डायोड से उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगी। इन केस अगर आपने उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज ली हुई है। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।